गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th संस्कृत ग्रामर चैप्टर नंबर 8 अव्यय पेज नंबर 122 अव्यय पे चलेंगे। ठीक, अव्यय न्यू चैप्टर अव्यय पे पढ़ेंगे। अव्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है और कैसे इनको यूज किया जाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ठीक है, तीनों लिंगों में समान, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी व्यक्तियों में समान, वचनेषु च सर्वेषु, तीनों वचनों में समान, यन्नव्येति तद्व्यम, वही अव्यय है। ठीक है, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, सभी व्यक्तियों, सभी वचनों में समान बने रहते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये नित्य पद होते हैं। संस्कृत भाषा में अव्यय पद पर बहुत अधिक संख्या में, ठीक, अव्यय बहुत सारे हैं। कुछ अव्यय दिए गए हैं, अपि, अपि मीन्स भी। ठीक है, वाक्य जैसे वयम अपि आपणं गच्छामः, मैं भी दुकान को जाता हूँ। अधुना, अधुना मीन्स अब, अत्र यहाँ, अधः नीचे, अन्यत कहाँ, इतस्तता इधर उधर, इव के समान, इदानीम इस समय, इह यहाँ, इति ऐसा, उच्चै जोर से, एव ही, कदा कब, कुतः कहाँ से, कुत्र कहाँ, कदापि कभी भी, किमर्थम क्यों, उच्चैः जोर से। फिर खलु निश्चय ही, च और, चित अनिश्चय वाचक, ठीक है, झटिति झटपट, पुरा प्राचीन काल में, परितः चारों ओर, बही बाहर, मा मत, ठीक है, मृषा झूठ, मंदम मंदम धीरे धीरे, मुहुर बहु, ठीक है, बार बार, यत तत जो वह, यत्र तत्र जहां वहां, यथा तथा जैसा वैसा, यदा कदा कभी कभी, यावत तावत जब तक तब तक, यतः ततः जहां से वहां से, दिवह दिन, नक्तम रात, विना बिना, वृथा बेकार, शनैः धीरे, शीघ्रम जल्दी, सहसा अचानक, सर्वत्र सब जगह, अद्य आज, स्वाहा आने वाला कल, ठीक, ठ्यः बीता हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है, सो इस प्रकार आपके ये अव्यय, अव्यय के प्रयोग से हम वाक्य बनाते हैं। अपि का हमने किया, वयम अपि आपणं गच्छामः, अधुना, अधुना रमा गीतं गास्यति, अत्र, अत्र पुष्पाणि सन्ति, अन्यत्र, ठीक है, पठनाय अन्यत्र गच्छ, सेम ऐसे इति है जैसे सा अकथयत, आगच्छामि इति, उच्चैः है सा उच्चैः हसति, कुतः त्वं कुतः आगच्छसि, कदापि कदापि असत्यं न वद, ठीक है, उच्चैः है सः उच्चैः हसति, सेम ऐसे, और खलु सा खलु नृप एव, च राम सीत च आसने तिष्ठत, बही गृहात बही गक्ष, ऐसे ही आपके चलेंगे, यावत तावत यावत सा गक्षति तावत त्वं अत्र तिष्ठ, ऐसे हम वाक्य बनाएंगे अव्ययों का प्रयोग करके। विना रमा श्यामं विना न गक्षति, वृथा रामः वृथा न वदन्ति, राम बेकार नहीं बोलता, ठीक है, सो सहसा सहसा विदधीत न क्रिया। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वाक्यों में प्रयोग, जैसे दुष्ट गजः वृक्षस्य, है ना, दुष्ट हाथी वृक्ष के अधा, अधा मीन्स नीचे, ठीक है, अधा आगक्षति, सा वृक्षस्य शाखां, वह वृक्ष की शाखा को, सहसा त्रोटयति, है ना, अचानक से तोड़ता है, आदि ये सब चीजें हैं, ये आपका एक्सरसाइज उसी के बेस पे। फिर इसी पे एक जैसे सेकेंड खा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये जो आपके ब्रैकेट पे दिए गए हैं मंजूषा पे, इन वर्णों को प्रयोग करके ये स्टोरी हमें फुल करनी होती है, ठीक है, इनको हमें फिल करना होता है। जैसे स्टार्टिंग है, पुरा एक नृपासीत, पुराने समय में एक राजा था, तस सचिव, है ना, यत कथयति, उसके सचिव ने यह बोला, स्म ईश्वर तत्करोति
सदैव करोति तत् शोभनम करोति, ठीक है, वे शोभन संकटे पिसा कदापि विचलिता, यहाँ पे आ गया कदापि। सो हम इनको फिल करके और हम ये स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये विद्या बिना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना, बिना हमने यहाँ पे यूज कर दिया, विद्या बिना जीवनम व्यर्थ, ठीक है। ह्या सब भूमि अपतत, ठीक है। सो ये आपका ऐसे हुआ। फिर इसी के थर्ड क्वेश्चन है गा, गा पे कैसे है, ये हमने कोई वर्ड देखा, ठीक है, ये हम वर्ड है, इनको इसको इसको इनको प्लस करके और हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तालिका के पदों को जोड़ करके और हमें वाक्य सेंटेंस बनाना है। बालक सर्वदा सत्यम है ना वदेयु, या बालका भोजनम करिष्यन्ति, ठीक है, सनई सनई ही भोजनम करिष्यन्ति, ठीक है, स्वः प्रदर्शिनीम गमिष्यन्ति। सो ये वर्ड की यूज करके और हम सेंटेंस बना सकते हैं। फिर लास्ट है इस पे घा, लास्ट क्वेश्चन है इव अव्यस्य प्रयोगेण समुचितम मेलनम क्रियताम, इव अव्यय का प्रयोग करके और हमें सही जोड़ी मिलानी है, ठीक है। पल्लव मुखम, मुखम कमलम, ये मुख चंद्रम, ठीक है, व्याघ्र नर, चरणम कमलम, मुखम चंद्रम और पल्लव करम, ठीक। तो ये आपको चैप्टर क्लियर हुआ, ठीक है। के बाद कुछ इसमें और भी दे रहे हैं पार्ट्स, सेम एज ये है बालका, इसको और इसको इनको प्लस करके हम एक सेंटेंस बनाने, तुम में है तुम कुत्र भ्रमणाय गच्छसि, तुम कुत्र पठसि, ठीक है, तुम कुत्र गमिष्यसि, ये सारी चीजें हैं सेंटेंस बना सकते हैं। सो आपका ये चैप्टर अभी अभी यहीं पे एंड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।